मधुबनी बाजार में तीन लोगों को बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। ये घटना मधुबनी बाजार टीओपी थाना की बताई जा रही है। हर रोज की भांति बंटी पासवान पानी पहुंचाने मधुबनी कैनरा बैंक के गली में जाया करता था। इसी कड़ी में कुछ युवक से कहा सुनी हो गई। कुछ युवकों ने पानी वालों को बुरी तरह पीट पीट कर अधमरा कर दिया। घायलों ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर युवक से हाथापाई की, वहां पर स्कूटर को भी तोड़ दिया। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत किया। वहीं घायल बंटी पासवान ने अपनी आप बीती सुनाई। मेरा नाम बंटी कुमार पासवान है। मेरा भाई को यहाँ मार रहा था, सब मिलके हमको घर फोन किया, हम आए बचाने के लिए, समझे। वहाँ से चार पांच लड़का हमको घींच के अंदर लाया। मेरा 10,000 रुपया कैश था, हम लाए थे घर, मोबाइल और पैसा छीन लिया मेरा, और हेलमेट हेलमेट का पड़े मारा, पीछे मारा, बोलता तुम लोग कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोग दबंग है यहाँ। सीधे बोलता थाना मेरा मैनेज है, मार रहा था अंदर में, और यही बात बोल रहा था लड़का सब अंदर का लड़का। और कारण मेरा भाई पूछे इसको मार रहा था, गाड़ी लेके मेरा लड़का पानी देने आता है, वो डेली आता है, वो बोला गाड़ी नहीं घुसाएगा, उसी में उसको बोला ठीक है नहीं घुसाएंगे, क्या हुआ नहीं, उसको ऊपर में ले जाके मार रहा था। वो हम लोग को फोन किया, हम दौड़ते हुए लोग मार रहा था, गाड़ी को फोन, हमको भी छत पे ले जाके मारने लगा। उसके बाद तो बेरोजगार तरह मारने लगा, जो आ रहा था उसी को मार रहा था। मारने वाला कौन है? मारने वाला सब घर के ऊपर बंद है, पुलिस कुछ नहीं कर रहा। हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों के कारण पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के सिंघिया टोला निवासी वीरेंद्र उरांव का तोड़ा हुआ घर पुनः